हेलो एवरीवन, लूसेंट जीके के इस क्लास पे आपका स्वागत है। तो लूसेंट जीके में हमने इससे पहले स्लेव डायनेस्टी ख़त्म किया है। हमने मध्यकालीन भारत पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश को ख़त्म किया। उसमें हमने पढ़ा कि लोधी वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, जो है कि विजयनगर एंड अदर किंगडम्स, यानी कि विजयनगर साम्राज्य और उससे जुड़े कुछ अन्य जो किंगडम्स थे उनके बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं आज, जिसमें कि जिसका कि शासन काल था विजयनगर साम्राज्य का 1336 से लेकर 1565 AD तक। तो विजयनगर किंगडम एंड द सिटी वेयर फाउंडेड बाई हरिहर एंड बुक्का सन ऑफ संगम हु वेयर फ्यूडेटरीज ऑफ ककटियाज। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इनके द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये हरिहर और बुक्का कौन थे? ये संगम के बेटे थे और ये ककटिया जो रूलर थे, ककटिया वारंगल क्षेत्र के जो शासक थे, उन्हीं के ये सामंत के रूप में थे। और बाद में ये लेटर बिकेम मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कंपीली, और बाद में ये दोनों क्या हो गए कि कंपीली के दरबार में ये मिनिस्टर या मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। विजयनगर किंगडम ले इन द डेक्कन टू द साउथ ऑफ द बहमनी किंगडम, यानी कि ये डेक्कन में, डेक्कन के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में बहमनी साम्राज्य तक ये फैला हुआ है। विजयनगर पीरियड कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज विद संगम, सलुवा, तुलुवा एंड अरविदु। तो विजयनगर साम्राज्य को चार साम्राज्यों में बांटा जा सकता है। इसमें चार वंश आए, संगम, सलुव, तुलुवा और अरविदु वंश। इन चार वंशों में विजयनगर साम्राज्य को विभाजित किया जाता है। और पढ़ते हैं सबसे पहले संगम डायनेस्टी के बारे में, संगम वंश के बारे में, जो कि 1336 से लेकर 1485 AD तक इनका शासन काल रहा। तो सबसे पहले तो आए हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट, जो कि 1336 से लेकर 1356 तक इन्होंने शासन किया। तो दे लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर, इन लोगों ने विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर बहमनी कॉन्फ्लिक्ट बिगेन विद द फाउंडेशन ऑफ अ किंगडम, यानी कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का जो संघर्ष था वह जैसे ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई उसी समय से शुरू हो गया। विजयनगर और बहमनी के बीच में संघर्ष, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इन थ्री एरिया, यानी कि इन दोनों के बीच में जो संघर्ष था वो किन क्षेत्रों को लेकर था? तो रायचूर दुआब को लेकर, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था, रायचूर दुआब इस क्षेत्र को लेकर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को लेकर और मराठवाड़ा के क्षेत्र को लेकर इन दोनों साम्राज्यों में, यानी कि बहमनी में और विजयनगर के बीच में संघर्ष चलता रहा। और जानते हैं बुक्का फर्स्ट के बारे में। तो बुक्का फर्स्ट का जो शासनकाल था वो था 1356 से लेकर 1379 तक। तो बुक्का फर्स्ट स्ट्रेंथेंड द सिटी ऑफ विजयनगर एंड रीनेम्ड इट विजयनगर, यानी कि इसने विजयनगर जो शहर था उसको और भी मजबूत बनाया और उसे फिर से नाम दिया, विजयनगर का नाम दिया। ही रिस्टोर्ड द हारमोनी बिटवीन द वारिंग वैष्णव, यानी कि जो भी युद्धरत वैष्णव थे उनके बीच में ये सामंजस्य बैठाने का काम किया। द रईस ऑफ मालाबार, सीलोन एंड अदर कंट्रीज केप्ट एम्बेसडर एट इज कोर्ट। तो जो जितने भी रईस थे मालाबार के, सीलोन के या और भी सारे देशों के, तो ये अपने राजदूत रखते थे बुक्का फर्स्ट के दरबार। अब हरिहर सेकंड के बारे में, हरिहर टू के बारे में जानते हैं, जिसका के शासन काल था 1379 से लेकर 1404 तक। तो बुक्का फर्स्ट वाज सक्सीडेड बाय हिज सन हरिहर सेकंड, यानी कि बुक्का फर्स्ट का उत्तराधिकारी बनता है उसका बेटा, जिसका नाम था हरिहर सेकंड। तब डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं कि कब से कब तक चला और उनके संस्थापक कौन थे। तो हमने पढ़ा कि विजयनगर साम्राज्य में चार तरह के वंश आए। तो सबसे पहला था संगम वंश, जिसका कि शासन काल था 1336 से लेकर 1485 तक, और इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। अब सलुवा वंश के शासन काल जो चला वो 1485 से लेकर 1505 तक चला, और इसके जो संस्थापक थे वो थे सलुवा नरसिम्हा। इसके बाद जो वंश आया वो था तुलुव वंश, और ये 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक चला, और इसके संस्थापक थे वीर नरसिम्हा। अब
अब अंतिम माया अरविदु वंश और ये 1570 से लेकर 1650 तक चला और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तिरुमाला। अब देवराय फर्स्ट, तो ही वाज द थर्ड सन ऑफ हरिहर सेकंड, यानी कि हरिहर सेकंड का यह तीसरा बेटा था जो कि था देवराय फर्स्ट और इसका शासनकाल था 1406 से लेकर 1422 तक। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज हिज इरीगेशन वर्क्स वेयर अ डैम वाज बिल्ट अक्रॉस द तुंगभद्रा विथ कैनल्स लीडिंग टू द सिटी, यानी कि इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था कि इसने सिंचाई व्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बनाया, जहां की एक बांध का निर्माण कराया गया तुंगभद्रा के नदी पर और ये इसके इससे जो नहर निकाले गए वो शहरों तक जाते थे, यानी कि शहरों की ओर जाने वाले नहरें निकाली गई। निकोलो डी कोंटी ड्यूरिंग विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेन, यानी कि निकोलो डी कोंटी जो एक विदेशी यात्री था वो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में ही विजयनगर में आया था। अब आया देवराय सेकंड, तो ही वाज द ग्रैंड सन ऑफ देवराय फर्स्ट, तो देवराय सेकंड का जो शासनकाल था वह था 1423 से लेकर 1446 तक और यह देवराय फर्स्ट का ग्रैंड सन था यानी कि पोता था। अहमद शाह फर्स्ट ऑफ बहमनी इन्वेडेड विजयनगर एंड एग्जेक्टेड अ वार इंडेमनिटी, यानी कि जो अहमद शाह बहमनी का जो अहमद शाह फर्स्ट था बहमनी का, इसने विजयनगर पे आक्रमण किया और एक्सटेक्टेड अ वार इंडेमनिटी यानी कि युद्ध से बचने के लिए इसने विजयनगर पे आक्रमण किया था। देवराय सेकंड बिकेम द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग मुस्लिम कैवलरी मैन एंड आर्कर्स इन द आर्मी ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि देवराय सेकंड जो था ये अपने सेना में बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम कैवलरी मैन यानी कि मुस्लिम घुड़सवारों को और आर्चर्स यानी कि तीरंदाजों को अपने सेना में बहुत बड़े पैमाने पर नियुक्त किया। ही वॉज कॉल्ड प्रौढ़ देवराय, इसे देवराय सेकंड को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। इन हिज इंस्क्रिप्शन ही हैज द टाइटल ऑफ गजबेदकर यानी कि द एलिफेंट हंटर, यानी कि उसे उसके जो अभिलेख थे उसमें उसे गजबेदकर की उपाधि भी दी गई थी। गजबेदकर यानी कि जो एलिफेंट हंटर है यानी कि जो हाथियों का शिकार करने वाला है। श्रीलंका पेड अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू हिम, यानी कि श्रीलंका के द्वारा उसे रेगुलर तरीके से रेगुलर पैमाने पर उसे ट्रिब्यूट दिया जाता था या सम्मान दिया जाता था। ही हैड लर्निंग फॉर वीर शैविज्म, यानी कि वो शैव धर्म का उपासक था लेकिन येट ही रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स, बल्कि फिर भी वो शैव धर्म का उपासक था वीर शैविज्म का, लेकिन फिर भी वो दूसरे धर्मों को आदर करता था या रिस्पेक्ट करता था। दिमदिमा वॉज द कोर्ट पोएट वेयर एज श्रीनाथ वॉज गिवेन द टाइटल ऑफ कवि सार्वभौम, यानी कि जो दिमदिमा थे वो दरबारी कवि थे देवराय सेकंड के, लेकिन श्रीनाथ जो थे उन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि दी गई थी। अब्दुल रजाक द एनवॉय ऑफ शाहरुख विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन, यानी कि अब्दुल रजाक जो था वो शाहरुख का एक दूत था जो कि देवराय सेकंड के शासनकाल में ही विजयनगर में विजिट किया था या गया था। अब उसके बाद देवराय सेकंड के बाद शुरू हो जाता है सलूभ डायनेस्टी जो कि 1486 से लेकर 1505 ईस्वी तक चला। तो सलूभ नरसिंह जो थे वो इस डायनेस्टी के इस साम्राज्य के इस वंश के संस्थापक थे जो कि 1486 से लेकर 1491 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अब सलूभ नरसिंह के बाद आते हैं तिरुमल 1491 में एंड इमादी नरसिंह 1491 से लेकर 1505 तक। तो ये बोथ वेयर माइनर्स ड्यूरिंग द रीजेंसी ऑफ नरसनायक। तो ये जो दोनों जो थे वो माइनर थे किनके राजप्रतिनिधि के राज्यकाल में, तो नरसनायक के राजप्रतिनिधि के राज्यकाल में ये जो दोनों थे वो माइनर्स के रूप में थे। वास्को डी गामा लैंडेड इन द कालीकट ड्यूरिंग हिज रेन इन 1498, यानी कि तिरुमल के शासनकाल में ही, तिरुमल और इमादी नरसिंह के शासनकाल में ही वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली यात्री था वो कालीकट में आया था 1498 में। अब उसके बाद आता है तुलुव डायनेस्टी यानी कि तुलुव वंश जो कि 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो वीर नरसिंह द सन ऑफ नरसा नायक बिकेम द किंग, यानी कि वीर नरसिंह जो था वो तुलु वंश का अगला शासक बनता है किसके मारने के बाद, तो आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इमादी नरसिंह द लास्ट सलूभ रूलर, यानी कि लास्ट सलूभ शासक को की हत्या करने के बाद वीर नरसिंह जो था वो तुलु वंश का शासक बनता है जो कि नरसा नायक का बेटा था। उसके बाद आता है कृष्ण देवराय जिसका कि शासनकाल रहा 1509 से लेकर 1500
29 तक। तो सलोवतिम्मा द चीफ मिनिस्टर ऑफ वीर नरसिंह, यानी कि सलोवतिम्मा जो था वो वीर नरसिंह का मुख्यमंत्री था। प्लेस्ट कृष्णदेव राय को उसने, जो कि वीर नरसिंह का भाई था, उसे थ्रोन पर रखा, यानी कि सिंहासन पर बैठाया। कृष्णदेव राय मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विथ अल्बुकर्क द पोर्टुगीज गवर्नर हुज एम्बेसडर फ्रायर लुइस रिसाइडेड इन विजयनगर। यानी कि कृष्णदेव राय जो था वो अल्बुकर्क, जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था, उससे मैत्रीपूर्ण संबंध रखा, फ्रेंडली रिलेशन रखा, जिसका कि एक राजदूत फ्रायर लुइस, जिसका नाम था, वो विजयनगर में रिसाइड किया हुआ था, इनकी विजयनगर में रहता था। ही वन ओडिशा फॉर विजयनगर एंड विजयनगर इमर्ज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग हिज रेन। यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो था वह इसके शासनकाल में बहुत ही मजबूत तरीके से उभर करके आया और इसने उड़ीसा को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। ही बिल्ट द विजय महल हाउस ऑफ विक्ट्री, यानी कि हाउस ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय महल का निर्माण कराया गया कृष्णदेव राय के द्वारा। द हजारा राम टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल, ये सबका निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया। ही टुक द टाइटल ऑफ यवन राज स्थापनाचार्य, यानी कि री स्टोर ऑफ यवन किंगडम दैट इज बिदार किंगडम, यानी कि इसे यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि मिली एंड अभिनव भोज, इसे अभिनव भोज की उपाधि भी दी गई। ही इज ऑल्सो नोन एज आंध्र भोज एंड आंध्र पितामह, यानी कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज या आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं पर आपने चार टाइटल देख लिया कृष्णदेव राय का। पहला तो था यवन राज स्थापनाचार्य, दूसरा जो था वो था अभिनव भोज, और तीसरा है आंध्र भोज, और चौथा है आंध्र पितामह। ये सारे जो उपाधि थे वो कृष्णदेव राय को मिले हुए थे। ही वॉज अ गिफ्टेड स्कॉलर इन बोथ तेलुगु एंड संस्कृत, यानी कि वो तेलुगु और संस्कृत दोनों का ही विद्वान था। ऑफ विच ओनली टू वर्क्स आर एक्सटेंट, यानी कि इसके जो भी कार्य इसने किए हैं तेलुगु और संस्कृत में, उसमें से दो ही बचे हुए हैं। तेलुगु वर्क ऑन पॉलिटी, यानी कि राज व्यवस्था पर इसने तेलुगु में लिखा हुआ है, जो नाम है अमुक्ता मालयद। तो अमुक्ता मालयद नाम से इसने पॉलिटी में, यानी कि राज व्यवस्था में लिखा है, और संस्कृत ड्रामा यानी कि एक संस्कृत नाटक लिखा है, जिसका नाम है जामवती कल्याणम। हिज कोर्ट पोएट वाज अडॉर्न्ड बाय द अष्टादिग्गज द 8 सेलिब्रेटेड पोएट ऑफ तेलुगु, यानी कि इसका जो दरबार था वो अष्टादिग्गजों से सुसज्जित था, जिसमें कि 8 कवि थे तेलुगु के। पहला जो था वो पेदाना, जिसने कि लिखा था मनुचरितम को। दूसरा जो था वो था तिम्माया, जिसने परिजाता अपहरण नामा को लिखा था। तीसरा जो था वो दरबारी कवि कृष्णदेव राय का वो था भट्टामूर्ति। चौथा धूर्जति, पांचवा मल्लन, छठा राजू रामचंद्र, सातवां सुरोना और आठवां तेनाली रामकृष्ण, जिसने पंडुरंग महात्म्य की रचना की थी। कृष्णदेव राय ए कंटेम्पररी ऑफ बाबर वाज द मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर ऑफ द डेक्कन, यानी कि ये बाबर के समकालीन था और एक बहुत ही ज़्यादा इलस्ट्रियस यानी कि एक शानदार शासक के रूप में बनकर के उभरा दक्कन के क्षेत्रों का। ड्यूवार्टे बारबोसा एंड डोमिनिगो पियस द पोर्टुगीज ट्रेवलर विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय, यानी कि ड्यूवार्टे बारबोसा और डोमिनिगो पियस के द्वारा विजयनगर साम्राज्य में आए थे, ये दोनों जो पुर्तगाली यात्री थे वे विजयनगर साम्राज्य में आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अच्युत देव राय, चूँकि कृष्णदेव राय नॉमिनेटेड हिज ब्रदर अच्युत देव राय एज अ सक्सेसर, यानी कृष्णदेव राय जो थे वो अपने भाई अच्युत देव राय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। ड्यूरिंग हिज रेन फर्नाजो नुंजी अ पोर्टुगीज होस्ट ट्रेडर विजिटेड विजयनगर, यानी कि इसके शासनकाल में अच्युत देव राय के शासनकाल में फर्नाओ नुंजी नाम का एक पुर्तगाली हॉर्स ट्रेडर था, एक घोड़े का व्यापारी था, जो कि विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था विजिट करने के लिए। उसके बाद आता है वेंकटा फर्स्ट एंड सदाशिवा राय। तो वेंकट फर्स्ट और सदाशिवा राय रियल पावर वाज एक्सरसाइज बाय रामराज या राय एंड हिज टू ब्रदर्स। तो ये दोनों जो थे वो शासक तो बने, लेकिन रियल पावर जो था वो असली शक्ति जो किनके हाथों में था, तो रामराज के हाथों में और उसके दो भाइयों के हाथों में। द फाइव सक्सेसर स्टेट्स ऑफ बहमनी एम्पायर वर डिवाइडेड थ्रू राजा राम डिप्लोमेसी, यानी कि जो बहमनी साम्राज्य के 5 उत्तराधिकारी राज्य थे ये राजा राम के कूटनीति के द्वारा ही
ये विभाजित किए गए थे। द बैटल ऑफ तालिकोटा आल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ राक्षसा तंगडी वॉज फाउट ऑन 23 जनवरी 1565। यानी कि बैटल ऑफ तालिकोटा, तालिकोटा का जो युद्ध था वो 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया। रामा राज वॉज टेकन एज प्रिजनर एंड एग्जीक्यूटेड बाई हुसैन निजाम शाह फर्स्ट। यानी कि राजा राम शाह को बंदी बना लिया गया और मार दिया गया, किसके द्वारा? तो हुसैन निजाम शाह फर्स्ट के द्वारा। द सिटी ऑफ विजयनगर वॉज द प्राइड ऑफ मेडिएवल वर्ल्ड वॉज मर्सीलेसली डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो विजयनगर का जो शहर था, जो कि एक मध्यकालीन विश्व का एक बहुत ही गौरवान्वित एक शहर था, एक साम्राज्य था, जो कि बहुत ही निर्ममतापूर्वक उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसका विध्वंस कर दिया गया। सीजर फ्रेडरिक ए इटालियन ट्रेवलर, यानी कि सीजर फ्रेडरिक जो था वो एक इटालियन यात्री था, विजिटेड विजयनगर इन 1567 to 1568, यानी कि 1567 से 1568 के बीच में सदाशिव राय के शासनकाल में सीजर फ्रेडरिक जो था वो इटालियन यात्री जो था वो विजयनगर साम्राज्य में आया था। उसके बाद आता है अरावेदु डायनेस्टी। अरावेदु वंश जो था वो 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक चला। तिरुमला राय द ब्रदर ऑफ राम राज रूल द नेम ऑफ सदाशिव राय। यानी कि तिरुमला राय जो था वो राम राजा का जो भाई था वो सदाशिव राय के नाम से ये शासन किया। ऑन हिज फेलर टू रीपॉपुलेट विजयनगर ही शिफ्टेड द कैपिटल टू पेनीगोंडा। यानी कि इसने बहुत कोशिश किया कि फिर से आबाद कर दिया जाए विजयनगर का जो शहर था उसे फिर से आबाद कर दिया, लेकिन ये असफल रहा। इसने अपने राजधानी को पेनीगोंडा में स्थानांतरित किया। He divided his empire into three practically linguistic sections। यानी कि भाषा के आधार पर इसने अपने साम्राज्य को विभाजित किया, तीन sections में विभाजित किया। The empire slowly shrunk and Aravedu dynasty ended in 1646। यानी कि बहुत ही जल्दी ये जो empire था, ये जो वंश था, ये धीरे धीरे खत्म हो गया 1646 ईस्वी में। अब जानते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसका प्रशासन कैसा था। तो नयंकर सिस्टम वाज द स्पेशल फीचर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि नयंकर व्यवस्था जो था वो विशेष सुविधा था एक प्रादेशिक प्रशासनिक व्यवस्था में। अयंकर सिस्टम जो वाज द स्पेशल फीचर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गांव में जो भी प्रशासन चलाए जाते थे उसका एक विशेष फीचर क्या था? अयंकर सिस्टम था। ए बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरीज नोन एज अयंकर्स कंडक्टेड विलेज अफेयर्स। यानी कि 12 पदाधिकारियों का एक ग्रुप था जो कि विलेज अफेयर्स, यानी कि जितने भी गाँव के जो भी अफेयर्स होते थे, गाँव के जो भी घटना दुर्घटना होती थी उसके बारे में 12 पदाधिकारियों के द्वारा देख रेख किया जाता था, जिन्हें कि अयंकर्स कहा जाता था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और उसके हेड, यानी कि प्रशासनिक इकाई और उसके मुख्य अधिकारी कौन थे? तो मंडलम, यानी कि प्रोविंस, यानी कि मंडलम प्रदेश को कहा जाता था, जिसका कि मुख्य अधिकारी होता था मंडलेश्वर। नाडू, जिसे कि जिला को नाडू कहा जाता था, और इसका जो हेड होता था, प्रमुख होता था, उसे नाडू प्रभु के रूप में जाना जाता था। उसके बाद आता है ग्राम, यानी कि विलेज, और उसका जो प्रमुख होता था वो होता था गौड़ा। दे वेयर ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड्स मनियम्स विच दे वेयर टू एंजॉय इन परपेचुइटी। यानी कि उन्हें कर से युक्त, यानी कि कर के बिना उन्हें भूमि दी जाती थी, जिसे कि मनियम्स कहा जाता था। यानी कि भूमि पर उसे उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था और उन्हें मनियम कहा जाता था, जो कि वह चिरकाल तक उसको एंजॉय कर सकते थे। द विजयनगर रूलर्स इश्यूड गोल्ड क्वाइंस कॉल्ड वराहस और पैगोडास। यानी कि गोल्ड क्वाइंस, सोने के सिक्के, जो विजयनगर के शासकों द्वारा इशू किया गया, लॉन्च किया गया, उसे वराह या पैगोडास कहा जाता है। द पर्टा वाज ए हाफ वराह। तो वराह का जो आधा होता था वो होता था पर्टा। द फनम वाज 1/10 ऑफ पर्टा। यानी कि वराह का आधा होता था पर्टा और पर्टा का दसवा भाग होता था, और फनम जो होता था वो पर्टा का 1/10 भाग होता था। ऑल वेयर ऑफ द गोल्ड मिक्स्ड विथ अलॉय। और ये जो सभी थे वो गोल्ड के साथ साथ कुछ उसमें अलॉय भी मिक्स किए हुए थे। द तार वाजा सिल्वर क्वाइन, यानी कि चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था, और जीतल वाजा कॉपर क्वाइन, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। अब विजयनगर साम्राज्य में सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था? तो इट वॉज द ओनली एम्पायर इन मेडिवल इंडिया विच एम्प्लॉयड वुमेन इन स्टेट सर्विसेज। यानी कि महिलाओं को राज्य कारभार में लगाने वाला ये एक अकेला साम्राज्य था,
मध्यकालीन भारत में महिलाओं को राज्य के सर्विसेज में लगाने वाला ये एक अकेला साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। वुमेन इवन वेंट टू बैटल्स, यानी कि महिलाएं जो थी वो यहाँ तक कि युद्धों में भी जाती थी। ऑल्सो इट वॉज ओनली स्टेट दैट प्रोमोटेड विडो रिमैरिज, यानी कि यह एक अकेला ऐसा राज्य था जिसने कि विधवा पुनर्विवाह को भी प्रमोट किया, उसे भी बढ़ावा दिया। स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि महिलाओं की जो स्थिति थी इस समय में बहुत ही ज़्यादा उसमें सुधार हुई। विप्रोलु, जिसे कि ब्राह्मण्स को विप्रोलु कहा जाता था, राजुलु क्षत्रियों को कहा जाता था, नला वजाति वरु शूद्रों को कहा जाता था, और विप्र विनोदिन्स आर्टिसंस यानी कि कलाकारों को कहा जाता था, कई कोलाज विवर्स को बुनकरों को कहा जाता था, सहगमन सतियों को कहा जाता था, बेसबाग फोर्स लेबर को कहा जाता था। अब इस विजयनगर साम्राज्य के समय आर्किटेक्चर कैसे थी, इस समय जो वास्तुकला था वो कैसा था। द रुविन्स ऑफ विजयनगर एट हम्पी वेयर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेम्ड कोलोनेल कोलिन मैकेंजी। यानी कि विजयनगर साम्राज्य का जो भी अवशेष था हम्पी में पाया गया था, और ये किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया, तो 1800 ईस्वी में एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इंजीनियर था, जो कि 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी नाम का एक इंजीनियर था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसने विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों को हम्पी में पाया गया और उसे प्रकाश में लाया। द विजयनगर रूलर्स प्रोड्यूस अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड एज प्रोविडा स्टाइल, यानी कि एक नए तरीके के वास्तुकला इन लोगों ने शुरू किया जिसे कि प्रोविडा स्टाइल कहा जाता है। द लार्ज नंबर ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ पिलर्स एंड पियर्स आर सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स, यानी कि इनके जो वास्तुकला होते थे, इनके जो भी बिल्डिंग्स होते थे उसमें बहुत सारे खंभे और चबूतरों का निर्माण किया जाता था, जो कि इनका एक विशेष फीचर था। हॉर्स वाज द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑन द पिलर्स, यानी कि खंभों पर जो भी स्तंभ होते थे उनमें घोड़ों का जो आकार दिया जाता था, जो कि सबसे एक कॉमन जानवर था जो कि पिलरों पर इनका आकार दिया जाता था। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर वेयर मंडप और ओपन पेविलियन, यानी कि एक दूसरा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण फीचर है इनके बिल्डिंग्स का, जो कि मंडप का निर्माण किया जाता था जिसमें एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था, एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म बनाया जाता था मीन्ट फॉर सिटिंग डिटीज एंड ओमन श्राइन्स, और ये किसके लिए बनाया जाता था, तो डिटीज यानी कि जितने भी देवी देवताएं हैं उनके बैठने के स्थान के लिए ऐसा माना जाता था कि उनके लिए बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स वर विठल स्वामी एंड हजारा राम टेम्पल एट हम्पी, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों में से थे वो विठल स्वामी और हजारा राम का मंदिर था हम्पी में। दादा पात्री एंड पार्वती टेम्पल्स एट चिदम्बरम, यानी कि दादा पात्री और पार्वती मंदिर था चिदम्बरम में, एंड वरदराजा एंड एकाम्बरनाथ टेम्पल्स एट कांचीपुरम, यानी कि वरदराजा और एकाम्बरनाथ का जो मंदिर था वो कांचीपुरम में था। द विजयनगर रूलर्स स्टार्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ रामायण एंड महाभारत ऑन द वॉल्स ऑफ वेरियस टेम्पल्स, यानी कि बहुत सारे मंदिरों के दीवारों पर विजयनगर के जो भी शासक थे वो अभिलेख कराते थे, किसका, तो रामायण और महाभारत के पात्रों का। बहुत सारे मंदिरों में विजयनगर के जो शासक थे वो रामायण और महाभारत का जो था वो इंस्क्रिप्ट करवाते थे या अभिलेख करवाते थे। विठल स्वामी एंड हजारा टेम्पल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वॉल, और आप उदाहरण में अगर देखें तो विठल स्वामी और हजारा राम का जो मंदिर है वो इस प्रकार के दीवारों का एक उदाहरण है जिसपे कि रामायण और महाभारत की कहानियों को लिखा गया है। तो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में, बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।